हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर ऑफ क्लास 10th, इको चैप्टर 3, मनी एंड क्रेडिट। तो देखिए, मैंने आपको पेज नंबर 49 के सेकंड पैरा तक अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था सारा पोर्शन। आप देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्लास 6 से लेकर 12th तक का स्टडी मटेरियल स्पेशल सोशल साइंस रिलेटेड मिल जाएगा। और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए, बाकी जो कंटेंट है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और यहाँ से देखिए, आज हमें स्टार्ट करना है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बोरोवर्स इज यूज टू रिपे द लोन। और देखिए, इस पैरा में जो है कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ कॉन्टेंट से रिलेटेड जो हमने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि आप एक बार रीड कर लीजिएगा। तो श्यामल इन सोनपुर और इस तरह के रामा इन सोनपुर, तो किस तरह के वैरायटी ऑफ क्रेडिट होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं उनको भी जो टेबल्स में थोड़े थोड़ा कॉन्टेंट था वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपको ये जो पैरा है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे पेज नंबर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ थोड़ा सा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में भी देखने को मिलेगा। और ये आप काफ़ी डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, पेज नंबर 47 में दिया हुआ है। और इसके साथ ही देखिए, पेज नंबर 46 में थोड़ा सा कंटेंट दिया है कहानियों के रूप में, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी को जब भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है एनसीईआरटी बुक्स में, तो वो स्टोरीज के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पर जो हैडिंग है वो है वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, कि जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं वो जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो किस तरह से जो क्रेडिट है, लोन है, उसकी कैसे अरेंजमेंट करते हैं, कहाँ कहाँ से वो लेते हैं इस लोन को। तो देखिए, यहाँ पर स्टोरी है श्यामल की। फर्स्ट पैरा में आप देखेंगे तो श्यामल जो है वो एक बता रहा है अपने बारे में कि उसको हर एक सीज़न में जब भी कल्टीवेशन का टाइम होता है, जब फसल बोने का टाइम होता है, तो उसको लोन लेना पड़ता है, ठीक है। और लोन उसको अपने 1.5 एकर्स ऑफ लैंड के लिए, जो भी वो कल्टीवेशन करता है उसके लिए उसे लोन लेना पड़ता है। और ये हर सीज़न की बात है जब भी वो फसल उगाने जाता है। अच्छा, पहले कुछ सालों की बात की जाए तो वो अपने जो गाँव का जो मनी लैंडर उससे लोन लेता था, और इंटरेस्ट रेट जो था वो 5% पर मंथ था, यानी 60 पर एनम उसको साल में 60% जो था वो जो उसने लोन लिया था उसके साथ उसको एक्स्ट्रा 60% देना पड़ता था, मतलब 5% पर एनम के पर मंथ के हिसाब से। अच्छा, कुछ सालों से, एक दो सालों से श्यामल जो है वो अब लोन ले रहा है, वो एग्रीकल्चरल ट्रेडर से ले रहा है, गांव के एक गांव में एक एग्रीकल्चरल ट्रेडर है उससे वो लोन ले रहा है, और वो इंटरेस्ट रेट वहां पे 3% पर मंथ पे कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, पहले तो यही कंपेरिजन हो गया सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में कि मनी लैंडर भी ऑप्शन में है और जो एग्रीकल्चर ट्रेडर है वो भी ऑप्शन में है कि वो वहाँ से दोनों से लोन ले सकता है। अच्छा, मनी लेंडर से जब लोन लेता है तो 5% पर मंथ उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा है, और एग्रीकल्चर ट्रेडर से लेता है तो वो 3% पर मंथ देता है, तो इट मीन्स थोड़ा सा कम है। बट देखिए, और क्या शर्त होती है, ठीक है, और क्या कंडीशन होती है जब वो लोन लेता है एट द बिगनिंग। और ये जो लोन उसको मिलता है ट्रेडर से, एग्रीकल्चर ट्रेडर से, तो वो इस लोन को दे देता है जब फार्म इनपुट जब स्टार्टिंग में ही दे देता है फसल बोने से पहले, और इसको जो चुकाना होता है, जो रिपे करना पड़ता है श्यामल को, वो फसल जब उसकी हार्वेस्ट हो जाती है उसके टाइम करना पड़ता है, बाद में करना पड़ता है उसको ये लोन रिपे। इसके साथ ही देखिए, इंटरेस्ट जो वो लोन पे दे रहा है जो 3%, वो तो वो पे कर ही रहा है श्यामल, उसके जो भी अमाउंट वो लेता है। उसके साथ ही उसको एक प्रॉमिस और करना पड़ता है एग्रीकल्चर ट्रेडर को, कि वो अपनी जो क्रॉप है, जो भी वो उगाएगा, वो एग्रीकल्चर ट्रेडर को वो सेल कर देगा, यानी कहीं और जाके ना सेल करके एग्रीकल्चर ट्रेडर को ही सेल कर देगा। देखिए, ट्रेडर कौन होते हैं, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रेडर की बात हुई, ट्रेडर हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में देख सकते हैं, ये मीडिएटर होते हैं, इन द सेंस जैसे कि जो फार्मर से कम रेट पर फसलों को ले लेते हैं और मार्केट जो टाउन्स और सिटीज की मार्केट होती है वहां पे हाई रेट पे सेल कर देते हैं, और जो भी प्रॉफिट इन्हें अर्न होता है वही इनकी पर्टिकुलर सैलरी या इनकम होती है। तो ये आप याद रखिएगा, और ट्रेडर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में होते हैं। तो ट्रेडर, अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रेडर का मतलब है कि जो ट्रेडर्स क्या करते हैं, फार्मर्स से डायरेक्टली वो फसलें ले लेते हैं, जो भी सब्जी फल फूल जो भी होता है वो ले लेते हैं कम रेट पे, और उसको बाद में दुनिया भर के बाहर के जो बाज़ार होते हैं, जो सिटीज़ के बाज़ार होते हैं वहाँ पे बेचते हैं, और हाई रेट पे बेचते हैं, जिससे कि उनकी भी वो इनकम कमा पाते हैं। तो इस तरह से ये ट्रेडर का काम है, और इसलिए ट्रेडर उनको बोल भी रहा है फार्मर को कि तुम अपनी फसलें भी मुझे बेच देना, तो ठीक है, फार्मर भी एग्री हो जाता है। और ट्रेडर को एक विश्वास यहाँ से ये हो जाता है कि सपोज अगर उसने पैसे नहीं दिए तो एटलीस्ट उसकी फसल तो मेरी है ना, तो प्रॉमिनेंटली कि चलो एक हो जाता है कि बिना देर के, ठीक है, प्रॉमिनेंटली मतलब होता है कि कोई देर नहीं होती और बिना किसी देर के, चलो पैसा नहीं दिया कम से कम फसल आ गई तो उससे भी प्रॉफिट अर्न कर सकता है।
इसके साथ ही देखिए क्रॉप प्राइसेस जैसे यहाँ पे बताएं कि ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइसेस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट द ट्रेडर इज एबल टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग द क्रॉप एट अ लो प्राइस फ्रॉम द फार्मर्स एंड देन सेलिंग इट लेटर व्हेन द प्राइस हैज राइजन। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया था कि वो यही करता है, कम रेट पर ले लेता है और शायद उसको स्टोर कर ले और बाद में जब देखता है मार्केट का प्राइस अगर हाई होता है तो उस रेट पर हाई रेट पर वो सेल कर देता है, जिससे वो इनकम अर्न कर लेता है। और ट्रेडर इस तरह से अपनी अर्निंग सोर्स को एक ठीक है कि उसका भी एक अर्निंग सोर्स हो जाता है अगर वो भी तो एक काम ही कर रहा है। इसके बाद ही देखिए नेक्स्ट जो केस है वो देखिए अरुण का है। अरुण जो है एक सुपरवाइजिंग कर रहा है अपना, उसका वन फार्म लेबर है वो, और अरुण के पास जो है 7 acres ऑफ लैंड है। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टिवेशन। इसके साथ ही वो एक सोनपुर से बिलोंग करता है और सोनपुर के कुछ लोगों में से वो एक है जिसे लोन मिला। कहाँ से मिला? बैंक से मिला। ठीक है, बैंक से उसने लोन लिया फॉर कल्टिवेशन और उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसको पे करना है वो है 8.5% पर एनम। ठीक है, 8. जो भी उसने जितना भी कैपिटल लिया उस पर उसको 8.5% पर एनम पे करना है एंड कैन बी रिपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 years। और इसके साथ ही उसको ये भी छूट है कि वो नेक्स्ट 3 years में कभी भी अगले 3 सालों आने वाले 3 सालों में कभी भी अपना लोन रिपे कर सकता है, उसके बाद 3 सालों का टाइम है। अरुण प्लान्स टू रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ द क्रॉप। और अरुण ने प्लान किया कि वो अपना लोन रिपे कर देगा बैंक को। कब करेगा? जब वो अपनी फसल का एक हिस्सा जो है उसको हार्वेस्टिंग के बाद सेल कर देगा। ही देन इंटेंड्स टू स्टोर द रेस्ट ऑफ द पोटैटोस। और उसके बाद देखिए एक हिस्सा तो बेच देगा फसल का जो उसने पोटैटो उगाए हैं, और जो बाकी हिस्सा है फसल का जो पोटैटोस बचे हैं उनको वो कोल्ड स्टोरेज में रखवा देगा। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था शायद कोल्ड स्टोरेज के बारे में, अगर आपको याद होगा शायद प्रीवियस चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कोल्ड स्टोरेज क्या होते हैं। तो फसलें खराब होने से यहाँ पे बचाई जाती हैं, स्पेशली जो अनियन और पोटैटो होते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर हाई होने के साथ ही ये फसलें सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, जिससे फार्मर्स इनको बेच नहीं पाते, उनको बहुत ज़्यादा लॉस सहना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अरुण ने क्या किया, इन फसलों को जो पोटैटो जो खराब होने के बहुत चांसेस होते हैं तो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहाँ पे, कुछ पेमेंट देके इनको मंथली कुछ चार्ज देना पड़ता है, तो कोल्ड स्टोरेज में अपनी फसल रखवा दी। और जब हुआ फिर अप्लाई फॉर अ फ्रेश लोन फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट अ कोल्ड स्टोरेज रिसिप्ट। तो कोल्ड स्टोरेज से यहाँ से इसने रिसिप्ट ली और उसके साथ ही एक उसको कि यहाँ पे उसने फसल रखी है तो उसके लिए भी उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो इसके लिए भी उसने फ्रेश लोन लिया बैंक से। अब जो बैंक है उसने ऑफर्स किया दिस फैसिलिटी टू फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम देम। इसके साथ ही देखिए बैंक ने इस तरह की और भी जो फैसिलिटीज हैं वो ऑफर की फार्मर्स को जो क्रॉप लोन इस तरह के लेते हैं। अब देखिए रामा का क्या केस है। रामा जो है एक वर्किंग कर रहा है नेबरिंग फील्ड में और कर रही है, और शी वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबर। ठीक है, वो किस तरह से काम कर रही है? एक एग्रीकल्चरल लेबर की तरह काम कर रही है, इट मीन्स कि उसका खुद का खेत नहीं है, वो दूसरे के खेतों में काम कर रही है। दियर आर सेवरल मंथ्स इन द ईयर व्हेन रामा हैज़ नो वर्क एंड नीड्स क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेस। इसके साथ ही देखिए साल के बहुत सारे ऐसे महीने होते हैं जब उसको काम नहीं मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी देखिए एक परमानेंट जॉब तो देता नहीं है, तो यही सीजनल काइंड का वर्क होता है, सीजनल जॉब होती है, तो सीजनल जिसको हम एक तरह का बोलते भी हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पाया जाता है। तो उसको अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ों के लिए जब उसके पास काम नहीं होता तो पैसे भी नहीं होते तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए उसे लोन लेना पड़ता है। तो एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेस, सपोज करिए कभी बीमार पड़ गई वो, और फंक्शंस इन द फैमिली आर ऑल्सो मेड थ्रू लोन्स। और जो भी फंक्शंस होते हैं फैमिली में, जो भी कुछ कार्यक्रम या कुछ भी प्रोग्राम होते हैं तो उसके लिए भी पैसा लेना पड़ता है, और वो किस तरह से सब पैसों का एक तरह से बंदोबस्त करती है तो वो लोन के द्वारा ही करती है। रामा हैज़ टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर। तो रामा को बहुत ही डिपेंड करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर पे, आ मीडियम लैंड ओनर जो कि सोनपुर का है वहाँ से, उसी से वो ये क्रेडिट लेती है, लोन लेती है, और जो लैंड ओनर है वो चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ। मतलब हर मंथ के हिसाब से उसको 5% देना होता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो रामा रिपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर। और देखिए रामा के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो रिपे कर पाए कैश में, तो क्या करती है रामा अपने लोन को रिपे करने के लिए लैंड ओनर के खेतों में काम करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया कि जो रामा हैज़ टू टेक अ फ्रेश लोन, कि उसको बार बार लोन लेना पड़ता है, और उसका प्रीवियस जो लोन होता है वो पे भी नहीं कर पाती है, रिपे ही नहीं कर पाती है। एट प्रेजेंट देखा जाए तो शी ओज द लैंड ओनर ₹5,000, उसने 5,000 रुपीज़ लिए हुए हैं। दो द लैंड ओनर डज नॉट ट्रीट हर वेल, शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम सिंस शी कैन गेट लोन्स फ्रॉम हिम वैन इन नीड। और जो लैंड ओनर है वो उसको अच्छे से, उसके साथ अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता है, उसको अच्छे से मतलब रिस्पेक्ट भी नहीं देता है, और फिर भी जो है कि रामा वहाँ पे कंटिन्यू काम करती है क्योंकि उसे वहाँ पे वहाँ से लोन मिल जाता है, पैसा मिल जाता है जब उसको ज़रूरत होती है। रामा टेल्स अस दैट द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंडलेस पीपल इन सोनपुर आर द लैंड ओनर
एम्प्लॉयर्स। तो रामा का यही कहना है कि अगर वहाँ पे देखा जाए सोनपुर में जो लैंडलेस पीपल हैं, जो वर्कर्स हैं, इस तरह के जो काम करते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही सोर्स है जो क्रेडिट का, कि वो किससे लोन ले सकते हैं, वो सिर्फ लैंड ओनर जिनके खेतों में जो ये लोग काम कर रहे हैं उन्हीं से ये लोन लेने की उम्मीद कर सकते हैं, बाकी तो कोई इनको लोन देगा ही नहीं वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने समझा कि देखिए तीनों का केस देखिए तो किस तरह से उनके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है जहाँ से वो ये क्रेडिट या लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, तो देखिए एक हम लोन यहाँ से भी ले सकते हैं जो ये लोग ले रहे हैं, बाकी देखिए एक और सोर्स है लोन लेने का, वो है लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। अच्छा, कोऑपरेटिव शब्द का मतलब समझिए, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना ले, ग्रुप बना ले हम लोग विद कोऑपरेशन, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करके। तो बिसाइड्स लोन बैंक्स, देखिए अदर मेजर सोर्स होते हैं चीप क्रेडिट के जो आप ले सकते हैं रूरल एरियाज़ में, वो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, या तो हम इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बोलें या फिर इनको कोऑपरेटिव्स बोलें, तो एक ही बात है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है और इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव, जो भी ग्रुप में मेंबर्स होते हैं, जो मैंने बताया ना, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो ये ग्रुप में लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, पूल दियर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज़। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्या करते हैं, जो भी इनके रिसोर्सेज होती हैं इनके पास, उनको पूल करते हैं, पूल मतलब शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, इन सर्टेन एरियाज। जैसे देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पॉसिबल सच एज फार्मर्स कोऑपरेटिव्स। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट कोऑपरेटिव्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जैसे सपोज अगर आपके फ्रेंड्स का एक ग्रुप बन जाए तो आपका फ्रेंड कोऑपरेटिव हो गया, ठीक है, आपके सपोज के टीचर्स का कोई ग्रुप है तो टीचर कोऑपरेटिव हो गया वो। तो इस तरह से कोई भी ये स्टार्ट कर सकता है और अपनी रिसोर्सेज को वो शेयर कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। तो फार्मर्स कोऑपरेटिव्स होते हैं, तो देखिए एग्जांपल्स में बताइए किस तरह के कोऑपरेटिव्स होते हैं, तो अंडरलाइन कर लीजिए, फार्मर्स कोऑपरेटिव्स होते हैं, वीवर्स कोऑपरेटिव्स होते हैं, वीवर्स कोऑपरेटिव्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव्स होते हैं, एक्सेट्रा। इसके साथ ही देखिए एग्जाम्पल है कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस, ठीक है, कृषक किसानों का एक कोऑपरेटिव है जिसका अपना नाम उन्होंने कृषक कोऑपरेटिव रखा है, ये फंक्शंस करते हैं इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। तो ये फॉर एग्जांपल पर्पस बताएं कि ये एक कोऑपरेटिव है कृषक का, यानी किसानों का, और ये कहाँ पे है, ये सोनपुर से कुछ दूरी के विलेज में है। यहाँ पे क्या है, 2300 जो फार्मर्स है इसके मेंबर्स हैं। देखिए कितना बड़ा ग्रुप है ये, कि 2300 फार्मर्स इस ग्रुप में है कृषक कोऑपरेटिव्स में, इनको मिला के ये कृषक कोऑपरेटिव्स बनाए, और ये क्या करते हैं, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है, ये अपने ग्रुप के ही लोगों से जो भी पैसा है, जो भी होता है पर मंथ, ये लोग डिसाइड करते हैं कि 100 रुपये 10 रुपये जो भी इनकी इनकम होती है उस हिसाब से पर मंथ ये लोग जमा करते हैं। तो अगर 2300 लोग भी कोई भी अमाउंट देते हैं तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो विद दिस डिपॉजिट एज कोलेट्रल, तो ये क्या करते हैं, ये जो पैसा जमा होता है इसको एज अ कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब जो सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी की तरह ही द कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेंड अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। तो ये इसके बेस पे ही एक तरह की सिक्योरिटी रख लेते हैं, कोलेट्रल की तरह इसको यूज करते हैं, और बैंक से बहुत लार्ज अमाउंट जो होता है, लार्ज लोन, क्योंकि देखिए हर एक फार्मर इंडिविजुअल बैंक में जाएगा तो उसके पास इतना सिक्योरिटी होती नहीं है कि वो रख सके, कोलेट्रल रखे, क्योंकि बैंक में आपको मैंने बताया था कि बिना कोलेट्रल के, बिना किसी सिक्योरिटी के वो कुछ पैसा लोन देते ही नहीं है। तो इस तरह से इंडिविजुअल पर्सन अगर फार्मर जाएगा तो उनको लोन मिलेगा नहीं। तो आप ये क्या करते हैं, ग्रुप में रह के डिपॉजिट करते हैं पैसा और कोलेट्रल की तरह उसको यूज करते हैं बैंक में से, जहाँ पे उनको लार्ज लोन मिल जाता है। दिस फंड्स आर यूज टू, और ये जो फंड्स होता है इसको यूज करते हैं प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स, और इस फंड को वो यूज़ करते हैं कि अगर पूरे के पूरे जो ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं उनमें से किसी को भी अगर लोन चाहिए होता है तो वो आपस में यहीं से लोन ले लेते हैं, ना कि बैंक में जाके, उन्हें पर्सनली कोई लोन लेने की जरूरत नहीं होती। वंस दिस लोन्स आर रिपेड अनदर राउंड ऑफ लैंडिंग कैन टेक प्लेस, और जैसे ये लोन आपने एक बार लिया, आपने चुका दिया, फिर आप दोबारा दूसरा लोन ले सकते हो। देखिए कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन्स फॉर द परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, तो ये अपने साथियों को ही लोन देते हैं, किसी और को नहीं देते, जो इनमें डिपॉजिट करते हैं उनके ग्रुप में 2300 फार्मर्स जो इसके मेंबर्स हैं उन्हें आपस में वो लोग लोन देते हैं और बाकी किसी और को नहीं देते। तो देखिए कृषक कोऑपरेटिव जो प्रोवाइड, ये किस चीज़ के लिए आपको लोन देता है, जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट चाहिए आपको, लोन चाहिए फॉर कल्टिवेशन एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए चाहिए, फिशरी लोन चाहिए अगर आप मछली उत्पादन का बिजनेस कर रहे हैं, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन अपना घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस जो और छोटे मोटे खर्चे हैं आपके परिवार में, तो उसके लिए ये कृषक कोऑपरेटिव जो है वो प्रोवाइड करते हैं लोन्स को। तो देखिए ये हमने समझ लिया, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स भी समझ लिया, ठीक है। तो इसके बाद ही मैंने देखिए आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप वो वहां से अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, तो वहां पे आपको पूरा समझ जाओगे कि
कौन सा सेक्टर फॉर्मल होता है और कौन सा इनफॉर्मल। इसके साथ ही देखिए मैं आपको बता रही थी कि क्या डिफरेंसेस होते हैं फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में, तो मैंने पहले आपको 3 पॉइंट तो पहले क्लियर कर दिए थे। और देखिए इस पैरा में मैंने इसलिए आपको फिर से वो एक्सप्लेन किया सारा का सारा सोनपुर वाला श्यामल का केस और रामा इन सोनपुर, क्योंकि अभी इस पैरा में आने वाला है। तो देखिए जब हाइयर कॉस्ट ऑफ बोरिंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बोरोअर्स इज यूज टू रिपे द लोन, तो देखिए थर्ड पैरा में हम रीड करें, तो जब हाइयर कॉस्ट होती है जब आप कोई बोरो कर रहे हैं मनी, तो इसका मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जब पैसा आप बोरो कर रहे हो तो इट मीन्स जब आप रिपे भी करोगे तो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आपको रिपे करना पड़ेगा। और काफ़ी बार ऐसा केस देखा गया कि बोरोवर्स जो हैं जो इनकम वो लेते हैं, ठीक है, जो इनकम वो लोन पे लेते हैं वो शायद बहुत कम होती है, बट जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता जाता है और जब वो फिर वापस करने जाते हैं मनी लेंडर्स को, तो वो जो लोन उन्होंने लिया था उससे भी कई गुना ज़्यादा वो पैसा होता है। तो देखिए श्यामल इन सोनपुर की कहानी हमने पढ़ी थी। इसी तरह से इन सर्टन केसेस जैसे हाई रेट इंटरेस्ट होता है फॉर बोरिंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर दैन द इनकम ऑफ द बोरोवर, तो जितनी की इनकम होती नहीं बोरोवर की उससे ज़्यादा उसको लोन रिपे करना पड़ता है। तो दिस कुड लेड टू इंक्रीजिंग डेट, और इसके वजह से जो है इंसान पे कर्जा बढ़ता ही जाता है। जिस सिचुएशन में हमने रामा का देखा था सोनपुर वाले विलेज में कि किस तरह से वो अपना पुराना लोन नहीं चुका पाती क्योंकि उसके पास और कोई काम ही नहीं है, वो लैंड ओनर की फील्ड में काम कर रही है, उससे चुक जाए तो चुक जाए और वो हमें पता है वो कभी चुकने वाला है नहीं, तो वो पुराना लोन चुकता नहीं है, उसको चुका नहीं पाती और नया उसको लोन लेना पड़ जाता है। तो इस तरह की जब कंडीशन हो जाती है तो अब इंसान डेट ट्रैप में फंस जाता है कि जब वो अपना पुराना लोन रिपे नहीं कर पाता और उसको नया लोन लेना पड़ जाता है, और उसके वजह से अगर उसके पास कोई ज़मीन है तो वो उसको बेचनी पड़ती है, या तो जो लैंड ओनर जिसके उसने लिया है लोन तो उसके घर में काम करना पड़ता है या उसके खेतों में काम करना पड़ता है। तो ये तरीके होते हैं कि वो किस तरह से लोन चुकाएंगे। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन इंटरप्राइज बाय बोरिंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग। इसके साथ ही देखिए कुछ और लोग भी जो चाहते हैं कि न्यू बिजनेस कर लें, कुछ कर लें लोन लेके, पर वो इतना हाई कॉस्ट हो जाती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की, कि वो इस आइडिया को ड्रॉप ही कर देते हैं और किसी तरह की बोरिंग से वो नहीं करते। इसी तरह देखिए फॉर दीज रीजन्स बैंक, और यही एक रीजन्स हैं, यही एक कारण है जिसके वजह से हमें लगता है कि जो बैंक्स हैं जो फॉर्मल सेक्टर में से बिलोंग करती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोन देने चाहिए इन गरीब लोगों को ताकि वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें। दिस वुड लेड टू हायर इनकम्स एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। तो इस तरह से देखिए हम समझ सकते हैं कि अगर ये चीज़ें हो जाएं कि बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर इस तरह के लोन दे दें लोगों को, तो लोग शायद अपना बिजनेस और जो भी है अच्छा स्टार्ट कर लें, ज़्यादा इनकम कमा सकेंगे, फसलें ज़्यादा उगा सकेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे, तो उनकी कंडीशन आई थिंक इम्प्रूव हो जाएगी। इसके साथ देखिए दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, गुड्स को बेच सकते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, ये लाइन ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो कभी कभी पूछा जाता है, ये लाइन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाएगा इसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो याद रखिएगा चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, और आई थिंक चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट कौन देगा, वो देगा फॉर्मल सेक्टर यानी बैंक्स एंड आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो यहाँ से याद रखिएगा। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि देखिए जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो और अगर आपके पास आपकी एनसीईआरटी की बुक है, तो आप क्या करिए कि उस बुक को ओपन रखिए और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ वो मार्क कर लीजिए। साथ ही आपने जो वीडियो आप देखते हो तो उसकी जो सेटिंग है वो आप 144p पे कर लीजिए, जिससे कि आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा सेव हो, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद का जो आपका जो जितना भी कॉन्टेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। सो थैंक यू एवरी वन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।